हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है वहाँ पे सिलेबस जो है वो मैं ओपन करके रखा है। और ये जो सिलेबस है ये TGT का है, ठीक है? तो अगर आपने TGT का फॉर्म फिलअप किया है साइंस से, तो आप जो है ये सिलेबस को देख सकते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सिलेबस यहाँ पे हम दे रखा है ये है TGT विज्ञान के लिए, ठीक है? तो ये TGT विज्ञान के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ दो ही चीज का सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पोर्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो विषय है यहाँ पे विज्ञान मेंशन किया है, साथ ही इसका कोड भी यहाँ पे 05 मेंशन कर रखा है। तो देखिए, इसमें जो है आपका सिर्फ फिजिक्स में आएगा फिजिक्स, और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ दो सब्जेक्ट हैं विज्ञान के लिए, यहाँ पे कोई भी बॉटनी या जूलॉजी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस। तो यहाँ पे बॉटनी या जूलॉजी वालों के लिए आई थिंक जो है TGT के लिए अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसी को इन्होंने मिला के साइंस बोल दिया है, ठीक है? तो देखिए, इसमें इन्होंने सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो है फिजिक्स सिलेबस दे रखा है, मति एवं बल, ठीक है? और इसके अंदर जो इन्होंने सब हेडिंग या सब टॉपिक्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ सब टॉपिक ही मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल गति एवं बल में सापेक्षिक गति, न्यूटन के सापेक्षिक गति, ये तो ठीक है, साथ ही साथ सरल रेखीय गति। तो देखिए, यहाँ पे जो है सारे जो टॉपिक हैं ये एक मेजर टॉपिक के अंदर जो सब माइनर टॉपिक वो सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और ये जो टॉपिक है वो आपको जो है प्रिपेयर करने हैं TGT साइंस के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं आप जो टॉपिक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले NCERT की बुक को पढ़िए, NCERT की, ठीक है, 11th की, 11th एंड 12th, ठीक है? तो 11th 12th की जो बुक है NCERT की, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की जो है आप उसे पढ़िए। और उसके बाद जो है आप जो लास्ट ईयर TGT जो क्वेश्चंस हैं, TGT क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो सिलेबस है वो कैसा आता है और जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्योंकि TGT एक एग्जाम में जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा एग्जाम नहीं कि बहुत ही हाई फाई एग्जाम है, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? इसीलिए आप जो है NCERT की 11th 12th की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के जो TGT की क्वेश्चन पेपर्स हैं 2013 या 16 के जो भी आपको मिल जाए उसको आप सॉल्व करिए, उसे देखिए कि जो पेपर है वो कैसा आता है, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एग्जाम है वो किस बेस पे आता है, उसका जो लेवल है वो क्या है, ठीक है? तो इसके बाद देखिए और जो टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि हीट, देखिए यहाँ पे ऊष्मा भी मैसेज जो टॉपिक वो मेंशन कर रखा है। तो आपको हीट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, इसके अंदर देखिए सब टॉपिक है, ये तो एक मेजर टॉपिक आपको दे दिया गया है। अब इन टॉपिक को आप जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप BSc लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो BSc लेवल के लिए जो बुक्स आती है उनका जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको लाइट भी पढ़ना पड़ेगा, हीट पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ देखिए विद्युत रसायन, ये विद्युत सेल, प्राथमिक एवं द्वितीय सेल, ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे मेंशन कर रखी, ये भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने जो मेजर टॉपिक दिया उसके बाद इन्होंने कुछ माइनर टॉपिक दिए, तो आपको जो है ये टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको आधुनिक बॉटनी भी, भौतिकी भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जो बी पार्ट है वो है रसायन विज्ञान। तो ये जो साइंस का एग्जाम, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है, यहाँ पे जूलॉजी बॉटनी कुछ नहीं, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसके पास थी तो वही लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई बायोलॉजी वाला जो बंदा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने बॉटनी और जूलॉजी का कुछ भी यहाँ सिलेबस मेंशन नहीं किया है, तो मोस्टली जो वैकेंसी है फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए ही, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो रसायन विज्ञान के लिए द्रव आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपको डी ब्रोगली समीकरण, हाइड्रोजन एटम, ये सारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ आपको रेडियो एक्टिविटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, रासायनिक आबंधन आपको पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है? साथ ही साथ वैद्युत रासायनिक सेल तत्वों का आवृत वर्गीकरण, तो ये सारे जो इन्होंने मेजर टॉपिक दे रखे हैं, इसके अंदर जो सब टॉपिक आपको दे रखे हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री के लिए भी आप जो है NCERT की बुक को फॉलो कर सकते हैं, NCERT 11th एंड 12th की NCERT आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आप BSc लेवल के पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा OP टंडन, ठीक है? OP टंडन की जो बुक है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो OP टंडन की बुक से पढ़िए, ठीक है? ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी इसमें आपको मिलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री की भी आती है OP टंडन की बुक। दूसरी हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
और जो एक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको जो ओपी टंडन की तीनों बुक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम टू, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा ये वॉल्यूम वन, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं ईजीटी के लिए, तो बेस्ट रहेगा आप जो एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है ओपी टंडन की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू को, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा इन्होंने कुछ और टॉपिक दे रखे, तो ये सारे टॉपिक आपको ओपी टंडन की बुक में इजीली मिल जाएंगे। तो आप वो जो टॉपिक हैं ये सब ओपी टंडन की वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू से पढ़ सकते हैं। वही समावयता भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और निम्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधियां एवं उनके गुण, तो ये सारा चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने पीजीटी सॉरी टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़िए, और जो मैंने आपको बुक्स में आपसे रिफर की है, तो आप उन बुक्स के थ्रू जो है इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।